सभी मीडिया बंधुओं का आज इस मत्स्य क्षेत्र केंद्र जो निदेशालय के अंदर है, मैं सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और हमारे साथ फेडरेशन के चेयरमैन, हमारे पास निगम के चेयरमैन, हमारे पास प्रमुख सचिव जो हमारे जी हैं नायक जी हैं, हमारे डीजी जी हैं जो है राजेश जी हैं, हमारे डायरेक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, और हमारे जितने भी यहाँ के निदेशालय से और सभी डीडी महोदय हैं उनके अधिकारी कर्मचारी हैं। और आज के दिन में हमारे जो विभिन्न क्षेत्रों से, पूरे प्रदेश से हमारे जो मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो बड़े रिजर्वायर हैं, नदियों में हैं या बड़े बड़े हमारे डैम हैं, बड़े बड़े हमारे जलाशय हैं, और जो हैचरीज हैं जिनमें से हम जिस उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश का खिताब मिला था फिशरीज के प्रोडक्शन में, उत्पादन में, तो हम चाहते हैं कि एक नंबर का अगर खिताब मिला है तो एक नंबर हमेशा बरकरार रहे और हमारी उत्तर प्रदेश एक पहचान बनी रहे। उसके लिए हमारे सारे अधिकारी लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं। आधे कर्मचारी हमारे रिटायर्ड हैं, फिर भी हमारे आधे कर्मचारी मिलकर के अपनी पूरी शक्ति से उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बना रहे हैं। 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक में अभी बैठक हुई थी, हमारे मत्स्य विभाग को 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक में अवसर दिया गया है, और उसमें मत्स्य 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक में कृषि में हमारा मत्स्य विभाग में और डेयरी भी है, तमाम और इंडस्ट्री हर सेक्टर को दिया गया। लेकिन हमारा जो ग्रोथ रेट रहा है हर सेक्टर से, फिशरीज का ग्रोथ रेट अधिक रहा है, सबसे अधिक हमारा ग्रोथ रेट रहा, लगभग 25% रहा है। तो उसे लगा कि हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक में और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में, लोगों को रोजगार देने में, रोजगार उत्तर प्रदेश को राजस्व देने में, और हम अर्थव्यवस्था देने में, और लोगों को जो है बेहतर प्रोटीन युक्त भोजन देने में उत्तर प्रदेश को आगे लाया जा सकता है। जिसके पास कोई एविडेंस हो वो ले आवे, हमारे पास सामने लाए, मैं वैसे ही राजनीति से दूर हो जाऊंगा। वैसे रागी मंच है, एक राजनीतिक सवाल उसका जवाब दूंगा। जिसको अंगूर नहीं मिलते, अंगूर खट्टे होते हैं। टिकट देना भारतीय जनता पार्टी का काम, हमारा काम सीट का था, हमने सौंप दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष को। मैंने सूत्रों से पूछा कि भाई क्यों वहाँ हमारे निषाद को लड़ाने से दूर हुआ, तो पता चला जिस व्यक्ति का आप लोग नाम ले रहे हैं उस व्यक्ति के ऊपर बड़ा आरोप यह है कि वह फूलन देवी की जो प्रॉपर्टी उस पर कब्जा किया है, उनके जितने धन थे उनके मरने के बाद इन लोगों ने कब्जा किया, कैलाश चौरसिया से वो मिलकर व्यापार करते हैं, प्लस जब वो पिछली सरकार थी सपा की तो नौकरी करते थे महोदय, नौकरी के नाम पर इतना निषादों से पैसा विभाग ले लिया था, उसके खिलाफ FIR भी है और लोगों ने तमाम उस पर कार्रवाई की, विभाग ने FIR करा, जेल भी गए थे। तो ऐसे लोगों को कैसे भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकते, तो देना काम भारतीय जनता पार्टी का था। जब मैंने सूत्रों से पूछा तो कारण यही निकला, अगर इसको नहीं मिलेगा तो ऐसे विभाग तमाम लोग उस पर आरोप लगाते रहते हैं, जिसके पास कोई प्रमाण हो लावे हम उसका जवाब देते हैं। सर, लेकिन अंडे दल के आप पुराने सहयोगी हैं, लेकिन आप लगातार 2 सीटों में दावेदारी की, 1 सीट नहीं मिली, और जो नए सहयोगी दल बने हैं उनको 1 सीट दी गई है, उसको क्या कहेंगे? देखिए, उन्हें सीट और जीत, हम जीत के लिए आए, जैसे त्रेता में भगवान राम खेवनहार बने थे निषाद राम, और उन्होंने राम को खत्म किया, हम लोग खेवनहार हैं। हम लोग जो हमारे पास सपा बसपा कांग्रेस हमारे गांव में बैठी 70 साल पार उतार, लेकिन उन्हें बाजार में छोड़ दिया, अब मध्य को उतार दिया और डूब गए निषादों ने हटा दिया, और जो उसने भी निषादों को धोखा दिया धोखा खाया। हम सीट के लिए नहीं, निषादों के हितों की रक्षा के लिए आए हैं, संवैधानिक सुरक्षा के लिए आए, हमारा मुद्दा है, हम देश के निषादों के हितों के लिए ही काम करते हैं, उनके दर्द को देखते निर्णय लेते हैं। आज उनका जो आरक्षण का मुद्दा एक नंबर पर है, मैंने भारतीय जनता पार्टी से कहा भाई निषाद आक्रोशित है, खुश था 2018-19 में, 2022 में खुश था, लेकिन उसका जब मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री जी पहले हमारे राजनीतिक मैनेज पहले सदन में आवाज उठाते थे, वीडियो है आपके मछुआ विजन में था, हम दिल्ली में सुरक्षित है, दिल्ली के गजट में सुरक्षित है, आपने रामचंद्र निषाद को मछली शहर से लड़ाया, हम उत्तर प्रदेश में असुरक्षित है, जमुना उस पार सुरक्षित है, जमुना इस पार असुरक्षित है, तो हमें सुरक्षा न्याय चाहिए, न्याय आप ही दे सकते हैं, माझी भी लड़े थे, तो ऐसे तमाम लोग थे, तो हमारी सुरक्षा छीनने वाले कांग्रेस सपा बसपा, इसीलिए समाज उनके खिलाफ वोट डालकर उनको हटाया, आपको लाया, आपने 10% आरक्षण अपर को दे दिया, आपने
महिलाओं को आरक्षण देते हैं, इनका लिखा हुआ मझवार गौर तुरैया खरवाल बेरा खरोट पूरी सात गांवों से, और हम ओबीसी से निकाले जा चुके हैं राज्यपाल द्वारा, इनको न्याय आप ही देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा, दीपावली के बाद इस मुद्दे पर वो बैठने के लिए तैयार हो गए हैं। पहली बार 70 साल में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री पत्र लिखते हैं, आरजीआई उसको जवाब देता है, तो आरजीआई कहता है नहीं, 1961 की गिनती में केवट मल्ला बिंद जो थे वो मझवार है, गिनती हुई थी और अनुसूचित जाति के हकदार है, सामाजिक न्याय मंत्रालय में फाइल है, उसको आप कर दिए। अगर भारतीय जनता पार्टी से पहल करना शुरू कर दी, उसको कह दी कि नहीं हम दीपावली बाद बैठेंगे, तो समाज आगे, नेता छोटा है, तो समाज के मुद्दे पर मैंने भारतीय जनता पार्टी को कह दिया ये मेरे प्रत्याशी, इनको आप लड़ा दो, मिलवा भी दिया, जो उसमें प्रत्याशी था लगता था कि नहीं जो जीत सकता था उसे लाएगा समीकरण के लिए, तो मैं जो भी 7-9 प्रत्याशी 9 सीट पर जीतते हैं उसमें साथ पार्टी उसको चुनाव लड़ाएगी और जितवाएगी, ये हमारा कहने में सीटें कार्यकर्ता कल दिन में सारे जोशो खरोश के साथ दिन भर आए थे, आप लोगों ने देखा 12 बजे रात तक उन्होंने ट्रेनिंग दी, आराम से संकल्प लिया, निषाद पार्टी 2 सीटों की मांग कर रही थी अचानक से ये, नहीं हमारे समाज ने कुर्बानी दी है, मेरे पिताजी खुद सूबेदार मेजर रहे हैं, वो पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान चाइना की लड़ाई में कुर्बानी दिया है, हम कह रहे हैं आज के दिन समाज के लिए 2 सीट कुर्बानी देना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, समाज रहेगा तभी राजनीति कर पाएंगे, और समाज के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज का मामला भारतीय जनता पार्टी दूर करने के लिए तैयार हो गए, इसलिए हमने उनको मालिक पहले भी उनको गार्जियन माना बड़ा भाई, आज भी मानता हूँ, दूर तो वही करेगी जिसकी सरकार दिल्ली में उत्तर प्रदेश में, दूर वो नहीं करेंगे जो छीनने वाले हैं, दूर वो करेंगे देने वाले, और देने वाले भारतीय जनता पार्टी देगी।